रोहिणी, पिछले वीडियो में हम लोगों ने अध्याय 2 के बारे में पढ़ रहे थे। भारत में अंग्रेजी शासन की हुकूमत या अंग्रेजी शासन की स्थापना, कैसे अंग्रेज भारत में आए व्यापार करने के लिए और धीरे धीरे कैसे इन लोगों ने पूरे भारत में अपना कब्जा किया और यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित किया, यहाँ पर उनका उपनिवेश कायम हुआ और वो लगभग हमारे यहाँ 200 वर्षों तक शासन किया। 200 वर्षों तक यानी भारत को उन्होंने लूटा, यहाँ के सारे खजाने लूट के अपने देश में ले गए, अपने देश का विकास किया और यहाँ के लोगों को उन्होंने काफी शोषण किया, कितने लोगों की जान मार दी, कई प्रकार की घटनाएं सब हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें जब व्यापार करते करते वो लोग बंगाल गए, जिसमें उस समय बंगाल, उड़ीसा और बिहार ये तीनों एक क्षेत्र हुआ करता था। जब वो लोग बंगाल आए तो उन लोगों को वहां पर अपना राज्य या अपना शासन स्थापित करने का मौका मिल गया। सिराजुद्दौला के साथ युद्ध में वो सिराजुद्दौला हार गया और उसके बाद उन्होंने मीर जाफर को वहां पर उसका अपना नवाब नियुक्त किया, बंगाल का मीर जाफर को नवाब नियुक्त किया। मीर जाफर ने उनको बड़ी मात्रा में भेंट दी, यानी भेंट के रूप में सोने चांदी बहुत से पैसे उनको दिए, भेंट स्वरूप में, दान स्वरूप में या जो भी कहिए आपको, टैक्स का स्वरूप में उन्होंने दिया। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उनको ये मीर जाफर को पता चला कि नहीं, ये गलत हो रहा है, हमारे साथ धोखाधड़ी की जा रही है, हमको लूटा जा रहा है, तो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। इस पर अंग्रेजी सरकार सकमे में आ गई और उन्होंने फैसला किया मीर जाफर को गद्दी से उतारने का और उन्होंने उसके लिए साजिश रची और इसके तहत उन्होंने मीर जाफर को गद्दी से उतार दिया और उसके जगह पर मीर कासिम को गद्दी पर बैठा दिया। मीर कासिम के बैठते ही वहां पर फिर उन्होंने मीर कासिम ने आपको दिल्ली या बंगाल के कुछ क्षेत्र, कुछ जिले उनको भेंट की, मीर कासिम ने उनको भेंट की और वो काम कर रहे हैं। लेकिन मीर कासिम को भी ये मालूम चला कि नहीं, ये ठीक नहीं है, हमसे ज्यादा टैक्स या हमको इससे ज्यादा चीजें ली जा रही है, ज्यादा हमको लूटा जा रहा है, तो उन्होंने इसके खिलाफ एक बड़ी सेना तैयार की और उस सेना को दक्ष करने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए उन्होंने यूरोपीय देशों से कई ट्रेनर बुलाए ट्रेनिंग देने के लिए। लेकिन उस युद्ध में 1764 ईस्वी में उस युद्ध में आपको वो सेना मीर जाफर की हार गई और सुजाउद्दौला था वो आपको गद्दी पर बैठा। लेकिन सुजाउद्दौला के साथ ही पूरे भारतीय सेना को 1734 ईस्वी में लड़ाई हुई बक्सर नामक स्थान पर, जहां पर इन्होंने अपना लड़ाई लड़ी, जो सेनाओं की हार हो गई, भारतीय सेना की इस लड़ाई में हार हो गई और 1765 ईस्वी में सुजाउद्दौला शाह आलम ने इस्लामाबाद के क्लाइव के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए, यानी सुजाउद्दौला और शाह आलम ने समझौते पर हस्ताक्षर किए और उनको बहुत ही सारी क्षेत्र देने पड़े और बहुत ही सारे उनको टैक्स भी देने पड़े, जिसके कारण धीरे धीरे टैक्सों की संख्या बढ़ती गई, लूटपाट की संख्या बढ़ती गई। इसमें है आपको बक्सर आया है, बक्सर के बारे में आपको जानकारी दिया गया है, बक्सर के बारे में जान लें। बक्सर चूंकि बहुत बड़े ऋषियों का स्थान हुआ करता था, वहां पर एक ऋषि थे जिन्होंने दुर्वासा ऋषि को उत्तेजित करने के लिए, गुस्सा दिलाने के लिए उन्होंने व्याघ्र का रूप धारण किया था, यानी बाघ का रूप धारण किया था और उन्होंने उत्साह, लेकिन जब दुर्वासा ऋषि को मालूम चली तो उन्होंने उस ऋषि को श्राप दे दिया कि तुम बाघी बने रहोगे, तो वो बाघ बने रहे। लेकिन वहां पर एक नदी थी, एक तालाब था जिसका नाम था अवसर, बाद में कहा जाता है कि उस ऋषि ने उसी अवसर तालाब में नहाने से वो अपने फिर ऋषि रूप में आ गए, तब से उस जगह का नाम व्याघ्रसर कहा जाने लगा। व्याघ्रसर
बाद में उस जगह का नाम अपभ्रंश होते हुए बक्सर आया और अब वो जाके बक्सर हो चुका है। तो बक्सर में लड़ाई हुई, इसमें सुजाउद्दौला और कुशा आलम ने 1765 ईस्वी में आपको अंग्रेजों के साथ समझौता किए। अब कंपनी को अपना पूर्ण रूप से अधिकार मिलने लगा ईस्ट इंडिया कंपनी को, और उसको ज्यादा से ज्यादा दीवान मिलने लगे, दीवानी मिलने लगी, यानी ज्यादा से ज्यादा टैक्स, ज्यादा से ज्यादा वसूली होने लगी। अब ये उनको पैसा उसूलने में ज्यादा ज्यादा उनको मुनाफा होने लगा। उसी बीच वो अपने देश से अगर सोना चांदी लाते थे तो इंग्लैंड में भी आपको उनके खिलाफ विरोध हो गया, क्योंकि यहाँ पर चांदी लाकर वो व्यापार के रूप में लगाते थे। लेकिन जब दीवानी मिल गया तो उनको यहाँ पर माल ले जाने के लिए और बेचने के लिए और लाने के लिए भी अनुमति मिल गई, और उनको यहाँ से ज्यादा आपको दीवानी के रूप में सोने चांदी आभूषण पैसे मिलने लगे, जिससे इंग्लैंड की जो स्थिति थी, जो वो आंदोलन कर रहे थे कि सबसे अधिक यहाँ से चांदी सोना अन्य देशों में जा रहा है, वो चीज खत्म हो गया। और धीरे धीरे यहाँ से लूटा माल आपको अंग्रेजों के यहाँ इंग्लैंड में जाकर उसका व्यापार होने लगा, व्यवसाय होने लगा। बक्सर के बाद कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे अन्य राज्यों पर अपना हुकूमत चलाने का निर्णय लिया, और धीरे धीरे उसके लिए सेना तैयार की, और धीरे धीरे उन्होंने दक्षिण भारत का मैसूर राज्य है जो वर्तमान में कर्नाटक का राज्य है, वो काफी समृद्ध राज्य था, जहां पर वहां पर आपको वहां के नवाब थे टीपू सुल्तान, वहां के राजा थे टीपू सुल्तान, वहां हैदर अली और एवं उसके पुत्र टीपू सुल्तान 1709 ईस्वी में सफलतापूर्वक शासन किया। लेकिन मालाबार तट पर होने वाले व्यापार, इस कंपनी का आपको इलायची काली मिर्च वहां पर खरीदी जाती थी, वहां व्यापार होता था, उस पड़ने वाले बंगाल में चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, इलायची आदि को उस पर रोक लगा दिया गया। टीपू ने, सुल्तान ने, क्योंकि वहां पर फ्रांसीसियों का एक बहुत बड़ा कंपनी था, मैंने आपको पहले भी बता चुका है कर्नाटक के तट पर फ्रांसीसियों की बहुत बड़ी कंपनी थी, टीपू सुल्तान ने आपको फ्रांसीसी कंपनियों से हाथ मिलाया, सहायता मांगी और आधुनिकरण के लिए मदद की, क्योंकि वो बहुत थे। इसके बाद कदों में कंपनी और मैसूर के बीच लड़ाई छिड़ गई, इसी कारण कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर के जो थे आपको राजा टीपू सुल्तान, उनके बीच लड़ाई छिड़ गई, और टीपू सुल्तान के साथ आखिरी लड़ाई 1799 ईस्वी में हुई, जिसमें टीपू बहादुरी के साथ लड़ते हुए मारा गया। यानी टीपू सुल्तान जो अंतिम लड़ाई हुई उसमें आपको उनकी मृत्यु हो गई, और तब कर्नाटक के क्षेत्र में भी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हो गई, वहां पर उनका शासन चलने लगा। टीपू सुल्तान मैसूर के एक बहुत ही बड़े राजा हैं, आपने टीपू सुल्तान को हमेशा किताबों में, हमेशा आपको अखबारों में आपने सुना होगा, उनकी कहानी भी एक बार दी गई है इसमें। गौतम राजा थे, एक बार वो अपने दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने गए थे, उस समय फ्रांसीसी दोस्त थे, उनके साथ शिकार खेलने चले गए थे, उस समय वहां पर आपको एक शेर आ गया, और उस शेर के साथ लड़ने में इनकी बंदूक भी नीचे गिर गई, इनका खंजर भी जो है नीचे गिर गया, लेकिन इन्होंने निहत्थे उस शेर से गिर गए, और शेर अपना लड़ते लड़ते अपना खंजर उठाया और शेर को मार गया। तब से इसे शेर के मैसूर भी कहा जाता है टीपू सुल्तान को। ये टीपू सुल्तान की कहानी है, और ये आपको ये पूरा राज्य जो था ये आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गया। यानी देखते देखते अंग्रेजों ने भारत के धीरे धीरे हराते हुए, एक चुकी छोटे छोटे टुकड़ों में राजाओं का क्षेत्र बटा हुआ था, धीरे धीरे हराते पूरे क्षेत्र को इन्होंने अपने अंडर में लिया, पूरे भारत में इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया, और यहाँ पर उन्नीस अपना इन्होंने कायम किया। अगले वीडियो में हम अगला पढ़ेंगे अंग्रेज और मराठे, ये टॉपिक है आप लोगों का, इसके बारे में मराठे, चूंकि महाराष्ट्र के मराठों के साथ भी इनकी लड़ाई हुई थी, तो ये आपको आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, धन्यवाद।